हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं फुल लाइन बाय लाइन, और आपने पढ़ भी लिया होगा। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं जो पेज नंबर 6 और 7 पे लिखे गए हैं। पेज नंबर 6 पे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप देखो, हर क्वेश्चन से पहले मेंशन शब्द लिखा हुआ है इसमें, मेंशन, और पांच क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों के साथ ये मेंशन शब्द आ रहा है। मेंशन का वर्णन करो, बताओ बताओ, तीन फेज कौन से थे खुशवंत सिंह और दादी माँ के रिलेशनशिप के, जो वो बड़ा हुआ उससे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन में है। सेकंड क्वेश्चन में है कि दादी माँ डिस्टर्ब क्यों हुई जब वो इंग्लिश स्कूल जाने लगा उस समय, और थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दादी माँ अपना दिन कैसे बिताती थी। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसा बिहेव किया दादी माँ ने जब उसकी मृत्यु हुई उससे जस्ट बिफोर, उससे थोड़ा सा पहले। और लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चिड़ियों ने किस प्रकार अपना सोरो एक्सप्रेस किया, अपना दुख एक्सप्रेस किया, वो हमें बताना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिखने से पहले कौन से चार तीन चरण बताने हैं अपन को। तीन चरण, एक तो अपन बता सकते हैं जब वो विलेज में थे, जब वो विलेज में थे। दूसरा चरण बता सकते हैं जब वो सिटी में थे, और तीसरा फेज हम बता सकते हैं जब वो यूनिवर्सिटी गया। अब देखो इन पे तीनों पे अलग अलग बात कर लेते हैं। विलेज स्कूल में दादी माँ साथ जाया करती थी, रिलीजियस एजुकेशन थी, और स्कूल जब वो जाता था उसे दादी माँ तैयार करती थी, उसके क्वेश्चंस में हेल्प किया करती थी। सिटी स्कूल में गए तो वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगा, मोटर बस में जाने लगा, दादी माँ स्कूल साथ नहीं जाया करती थी, वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन नहीं थी। गांव में दादी माँ कुत्तों को खाना खिलाती थी, शहर में किसको खिलाना शुरू कर दिया, चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। जब वो यूनिवर्सिटी गया तो वो एक सामान्य रूम में रहा करते थे, वो भी चेंज कर दिया गया, और खुशवंत सिंह को अपना खुद का रूम दे दिया गया, और जो उनके बीच में कॉमन लिंक था रिलेशनशिप का वो भी टूट गया। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं। हाँ, आंसर में हमें क्या लिखना है, देखो, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड से पहले अपन एक सेंटेंस इसमें और लिख सकते हैं, दीज थ्री फेजेज आर, उनके रिलेशनशिप वाले बताने, तो आंसर में दीज थ्री फेजेज आर, दीज थ्री फेजेज आर। फर्स्ट लिखते हैं चाइल्डहुड, अपन इसको चाइल्डहुड भी नाम दे सकते हैं, या फिर इन द विलेज, और इन द विलेज जब वो गांव में रहा उसका चाइल्डहुड था। इसमें क्या लिखना है, देखो यही बातें जो मैंने आपको बताई यही लिखनी है। यहां पे लिखो खुशवंत सिंह वेंट टू द विलेज स्कूल, खुशवंत सिंह वेंट टू द विलेज स्कूल, विलेज स्कूल एंड द grandmother helped him to get ready, she helped him in his studies, लिख लो, वह उसकी स्टडीज में हेल्प करती थी। she went to school with him, इतना बहुत रहेगा, काफी है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब वो शहर में चले गए तो क्या हो गया, बॉयहुड,
बॉयहुड इन द सिटी, जस्ट ऐसे ही लिखेंगे अपन। खुशवंत सिंह वेंट टू द सिटी स्कूल, खुशवंत सिंह वेंट टू टू द सिटी स्कूल इन ए मोटर बस, इन ए मोटर बस। एंड सेम ही लिख रहे हैं, द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम हिम टू गेट रेडी गेट रेडी। सी डिड नॉट हेल्प हिम, सी डिड नॉट हेल्प हिम हिम इन हिज स्टडीज, और सी डिड नॉट गो टू स्कूल गो टू स्कूल विद हिम। नंबर थ्री, अर्ली यूथ व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, खुशवंत सिंह वेंट टू द यूनिवर्सिटी। वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वाज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन, उन दोनों में दोस्ती का जो सामान्य संबंध था वो टूट गया। देखो, इन द विलेज इन द सिटी और फिर व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, ये थी थ्री फेजेस थे उनके रिलेशनशिप के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो तीन रीजन बताने हैं जिनकी वजह से दादी माँ डिस्टर्ब हो गई जो सिटी स्कूल में पढ़ाते थे उस वजह से। अब तीन रीजन कौन से हैं, पहला तो ये है कि शहर के स्कूल में कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं थी भगवान के बारे में। दूसरा जो रीजन है, वहाँ पे वेस्टर्न साइंस वेस्टर्न लर्निंग की एजुकेशन दिया करते थे, पश्चिमी शिक्षा वहां पे थी। और थर्ड रीजन जो है, वो दादी माँ ने सुना कि उन्हें म्यूजिक के लेसन दिए जा रहे हैं, तब दादी माँ और भी नाराज हो गई और भी डिस्टर्ब हो गई। क्वेश्चन नंबर टू के आंसर में अपन लिखेंगे, दीज थ्री रीजन्स आर, नंबर वन, देयर वाज no religious education about God in the city school। पहला रीजन था कि दादी माँ इससे डिस्टर्ब हो गई। सेकंड रीजन,
देयर वॉज टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस, देयर वॉज टीचिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग इन द सिटी स्कूल, इन द सिटी स्कूल। और नंबर थ्री, म्यूजिक लेसन्स, म्यूजिक लेसन्स वर गिवन इन द सिटी स्कूल। ये थे तीन कारण कि दादी माँ शहर की स्कूल वाली एजुकेशन की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान हो गई थी। अब थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि दादी माँ अपना दिन किस प्रकार से गुजारती थी, किस प्रकार से वो अपना दिन निकालती थी। इसमें आप वो तीन वे बताने हैं, तो लिखेंगे आप यहाँ पे दीज थ्री वेज वर। दादी माँ अपना दिन किस प्रकार से गुजारती थी, एक तो दादी माँ पूरे दिन प्रेयर करती रहती थी, दूसरा दादी माँ स्पिनिंग करती थी, काटती रहती थी, और तीसरा शाम को आधे घंटे, दोपहर के बाद आधे घंटे जो है वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। और वही थ्री वेज हमें यहाँ पे बताने हैं। नंबर एक लिख लो आप प्रेइंग, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए। शी वॉज ऑलवेज बिजी इन प्रेयर, शी वॉज ऑलवेज बिजी इन प्रेयर, शी वॉज ऑलवेज बिजी इन प्रेयर एंड टेलिंग द, एंड टेलिंग, टेलिंग द बीड्स, बीड्स ऑफ हर रोजरी। नंबर टू स्पिनिंग, काटते हुए अपना दिन बिताती थी। शी स्टार्टेड स्पिनिंग, शी स्टार्टेड स्पिनिंग, शी स्टार्टेड स्पिनिंग वोल डे, सी सेट बाई वोल डे, सी सेट बाई हर स्पिनिंग व्हील। हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील चरखा। और नंबर थ्री फीडिंग द स्पैरोज, फीडिंग द स्पैरोज, फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून सी लेफ्ट हर, लेफ्ट हर स्पिनिंग, स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील एंड फेड द स्पैरोज, एंड फेड द स्पैरोज, और चिड़ियों को खिलाती थी। इस प्रकार से इन तीन तरीके से वह अपना दिन बिताती थी, प्रेयर करते हुए, स्पिन करते हुए और स्पैरोज को फीड करते हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है दादी माँ की जब मृत्यु हुई उससे जस्ट बिफोर, बिल्कुल पहले उसने किस प्रकार का बिहेव किया।
इसमें अपन को लिखना है कि जब दादी माँ की मृत्यु हुई उससे पहले उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक मंगवाया, डांस किया, सिंग किया, और उसने उस समय प्रार्थना नहीं की थी। अब वो अपने बिस्तर में शांति से लेट गई, उसको थोड़ा सा बुखार हो गया उसके बाद, और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी किसी से बात करते हुए, इसलिए उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और इसी प्रकार का उसने बिहेव किया। नंबर 4 लिख लो आंसर में, जस्ट बिफोर हर डेथ द ग्रैंडमदर वाज सिंगिंग grandmother was singing and beating the drum and beating an old drum beating an old drum She refused to talk to anyone. She lay peacefully in her bed, telling the beads of her rosary. Telling the beads of her rosary. Question number 5 में पूछा गया कि स्पैरोज ने किस प्रकार से अपना सोरो व्यक्त किया, किस प्रकार से अपना दुख व्यक्त किया जब दादी माँ की मृत्यु हो गई थी। कैसे व्यक्त किया? हजारों की संख्या में स्पैरोज वहां पे आ गई, वहां पे फैल गई फर्श के ऊपर, बरामदा में और रूम में, और किसी प्रकार की उन्होंने चहचाहट नहीं की। और उनको देखकर जब खुशवंत सिंह की माँ को दया आई तो वो रोटी के टुकड़े उसी प्रकार से उनको डालती है जिस प्रकार से दादी माँ डाला करती थी, लेकिन स्पैरोज ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब दादी माँ की डेड बॉडी को वहां से ले जाया गया तो वो उड़ जाती हैं। अगले दिन डस्टबिन में स्वीपर ने वो टुकड़े इकट्ठे कर लिए। इस प्रकार से चिड़ियों ने अपना दुख व्यक्त किया। लिख लो आंसर में, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज गैदर्ड अराउंड द अराउंड द ग्रैंड मदर्स मदर्स कॉप्स दादी माँ के लाश के चारों और हजारों की संख्या में चिड़िया इकट्ठी हो गई। They were not chirping. वे चहचा नहीं रही थी। They took no notice of the bread crumbs. When the dead body removed, they flew away silently.
वे चुपचाप उड़ गई. इन दिस वे द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो. इस प्रकार से स्पैरोज ने अपना सोरो व्यक्त किया. व्हेन द अथर्स ग्रैंडमदर डाइड ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो पेज नंबर 6 पे दिए थे और 7 पे दिए थे. इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है इम्पोर्टेंट, वो बनता है ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच. उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.